नमस्कार नवोदय क्लास साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। 30 अक्टूबर सन 1990 को झांसी में कार सेवकों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यवाही के दौरान हुए गोलीकांड में झांसी के कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल को गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आज पूरे 31 वर्ष बीत जाने के बाद शहीद कार सेवक जगत प्रकाश अग्रवाल की प्रतिमा की स्थापना झांसी के खंडेराव गेट चौराहे पर की गई। आज ही उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद पंडित अनुराग शर्मा, सदर विधायक झांसी रवि शर्मा और महापौर रामतीर्थ सिंघल द्वारा किया गया। इससे पूर्व कलश यात्रा निकाली गई और पंडित दीनदयाल सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर शहीद जगत प्रकाश अग्रवाल के माता पिता को सम्मानित भी किया गया। यह सब भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सरावगी की कोशिशों से संभव हो सका। कार्यक्रम में मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य, पूर्व महापौर किरण वर्मा, पूर्व भाजपा नेता अमित जादौन, नगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, महामंत्री अमित साहू, चेतन ओझा समेत स्वर्गीय जगत प्रकाश अग्रवाल की माता श्रीमती माला देवी एवं पिता राधेश्याम अग्रवाल समेत भाजपा के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।